हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मकर संक्रांति, तो हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मुरमुरा की टिक्की। ये बहुत अच्छा बनता है और बहुत टेस्टी होता है और बहुत आसान भी होता है। बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं, एकदम क्रिस्पी। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं और कितना क्रिस्पी बना है और कितनी आसानी से मैंने इसको बना दिया है, आप भी इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मैंने इसके लिए मुरमुरा लिया है। मैंने इसमें 100 ग्राम मुरमुरा लिया है और 100 ग्राम ही इसमें मैंने गुड़ लिया है। तो इस तरह से देखा आपने, मैंने हाथ से आपको तोड़ के दिखाया। तो ये मैंने तिल के लड्डू बनाए थे, उस सेम कढ़ाई मैंने लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मुरमुरा है और ये गुड़ है। और उसके बाद घी के अंदर हम गुड़ को डाल देंगे और इसी के अंदर हमें मेल्ट करना है। और इसमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पानी नहीं डालना है। इसको इसी तरह से हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर हिलाते रहना है और ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा इसी के अंदर। तो इसे इसी तरह से हमें करना है। जब ये मेल्ट हो जाएगा तब हम इसको चेक करेंगे। तो उस पहले हम देख लेते हैं कि कैसा होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये मेल्ट हो चुका है, इसका कलर भी आ चुका है। अब हम यहाँ पे पिंच सोडा डालेंगे, जिससे कि हमारी जो चिक्की है वो क्रिस्पी भी रहेगी और सॉफ्ट भी रहेगी, दोनों चीज़ रहेगा। तो यहाँ देखिए, ये जब हम पानी में डालते हैं तो ये इस तरह से गोल हो जाता है, मीन्स कि आपका पाक तैयार है। अब आप इसके अंदर डाल दीजिए मुरमुरा को। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मुरमुरा को डाल दिया है। उसको डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम एक थाली पे घी ग्रीस कर लेंगे, या आप चॉपिंग बोर्ड पे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ले लीजिए, ऐसे कर लीजिए, आप इसके चाहे लड्डू बना लीजिए, चाहे चिक्की जमा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने चॉपिंग बोर्ड पे ही चिक्की को जमा दिया है। थोड़ी देर जमाने के बाद हमको इस तरह से नाइफ की हेल्प से कट लगा लेना है। नाइफ की हेल्प से कट लगाने से क्या होता है कि अगर जब हम इसको कट करते हैं तो ये बहुत आसानी से कट हो जाता है। अगर आप इस पर कट नहीं लगाते हैं तो फिर वो टूटी फूटी होती है। तो यहाँ देखिए, कितनी आसानी से मैंने इसको निकाल लिया है। कट किया था इसलिए बहुत इजी तरीके से निकल चुका है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी चिक्की बनी है और बहुत ही क्रिस्पी बनी है, बहुत टेस्टी। आप इस तरह से ये चिक्की बना के खा सकते हैं इस मकर संक्रांति में। आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, देखिए कितनी अच्छी और कितनी क्रिस्पी बनी है। तो इस तरीके से आप बनाइए और खाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी चिक्की कैसी बनी, आपको पसंद आई या नहीं आई, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ये चिक्की बनाते हैं तो आप ज़रूर मुझे इसका पिक शेयर कीजिएगा, मैं इंस्टाग्राम पर स्टोरी में लगाऊंगी। तो आप ये चिक्की बनाइए और मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं न्यू रेसिपी डालूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ़ यू।